मैं सरोज आज आपके सामने हरी मिर्च का अचार लेकर के आई हूँ। ये हरी मिर्च का अचार बिना फायर की रेसिपी है। सबसे पहले आप हरी मिर्च को वाश करके और उसके डंडल वाश करने के बाद उसे सुखा लें और उसके डंडल को काट कर हटा दें, इस तरह से तोड़ के निकाल दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्सी में, इसमें एक बार हल्का सा चलाइएगा ताकि वो दरदरा हो, इस तरह से डंडल को हटा दें। मैं दरदरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का दरदरा कूट लीजिएगा, जो देखिए इस तरह से दरदरा कूट लीजिएगा एक बार। और बची हुई मिर्च को मैं क्रश करके दिखाती हूँ। आप इसमें नमक एक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दें, ऐसे नमक जो है सो हमेशा, आप कोई भी अचार बना लें तो उसमें नमक ज़्यादा डालें, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव होता है, अचार की लास्टिंग ज़्यादा दिन तक होती है। अगर मीठा बना अचार बना रहे हैं तो उसमें मीठा चीनी ज़्यादा डालें। इस तरह से नमक डाल दी मैं, और इसमें साथ ही मैं हल्दी पाउडर 2 स्पून डाली हूँ इससे। इसे डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद देखिए ये हल्का हल्का पानी छोड़ चुका है। अब इसमें मैं नमक और हल्दी तो डाल दी हूँ, अब मैं थोड़ा सा लेमन जूस, 2 लेमन का जूस मैं डाल रही हूँ इसमें। देखिए इस टाइप से, अब 1 स्पून सिरका मैं डाल रही हूँ। देखिए इस टाइप से, अब इसमें ये अजवाइन है ये डाल दीजिए, ये कलौंजी है 1/2 स्पून, स्मॉल स्पून जो आता है उससे है, ये कलौंजी है। अब इसको मिक्स कीजिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालिए, क्योंकि ये खुद ही है तीखा है हरी मिर्च, तो सिर्फ 1/2 स्पून के करीब मैं डाली हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब एक स्पून में धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब ये सरसों जीरा मेथी मिक्स पाउडर है ये 1 स्पून एंड सॉरी 2 स्पून करीब 4 स्पून के करीब ये डाली। इसको मैं ये सरसों और मेथी और जीरा को मैं धूप में सुखा ली थी, उसके बाद इसका पाउडर मैं बना ली थी। और इसके साथ ही आप 1 स्पून और सिरका लास्ट में डाल दें इस सब मसालों को मिलाने के बाद। इस स्टेज पर भी काफ़ी टेस्टी ये अचार लगेगा खाने में। लेकिन इसे 2-3 दिन तक धूप में रख दीजिएगा, या किसी ऐसे प्लेस में जो रूम टेम्परेचर पर हो वहाँ भी ये अचार तैयार हो जाएगा 2-3 दिन के बाद। अब 1 स्पून मैं सिरका और इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए ये ब्लैक सॉल्ट है, इसे भी मैं डाल रही हूँ 1/2 स्पून, इससे काफ़ी चटपटा होता है। देखिए इस तरह से ये अचार तैयार हो चुका है करीब करीब। और इस अचार को 3 दिन तक अगर आप धूप में रखेंगे, तो बहुत दिनों के लिए अगर ये अचार रखना होगा तो साथ में ही 1 कप आप सरसों ऑयल भी धूप में रख दीजिएगा, ताकि धूप की गर्मी से वो सरसों ऑयल भी गर्म हो जाएगा। और उसके बाद 3 दिन के बाद ये सरसों ऑयल डाल करके जार में पैक करके आप रख दीजिएगा इतने बड़े कप से, तो अचार आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और इस स्टेज पर भी आप खा सकती हैं, काफ़ी टेस्टी लगेगा।
आफ्टर 3 डेज ये अचार रेडी हो चुका था, तो मैं उसमें इस तरह से तेल डालकर रख दी हूँ। अब मैं इसे किसी जार में, सूखे हुए जार में डाल दूँगी। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है देखने में, और साइड से ये तेल भी छोड़ रहा है। और जब जार में डालकर एक दो दिन और धूप लगा दीजिएगा। बस ये तैयार हो चुका है अचार। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू डू नॉट मिस द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो माय इंस्टाग्राम हैंडल इज ऑन द स्क्रीन। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।